हेलो बच्चों, कैसे हैं? बच्चों, काफ़ी रात हो गई है, बट मुझे पता नहीं, ऐसा मन कर रहा था कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बनाऊं। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़, ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद ये है कि एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसी कौन सी एक क्वालिटी है जिससे हम बिना आंसर जाने, हमें सही आंसर नहीं आता, हम पढ़ के शायद बहुत कम गए हों और पेपर हमारे बस का नहीं है, बट स्टिल हम पास हो सकते हैं। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है, ऐसा कोई वो है? बच्चों, 10 साल का टीचिंग करियर हो गया, 10 साल से टीचिंग में हूँ और इस 10 साल में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा और मैंने कई बार ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जिनकी पास होने की बिल्कुल भी लायकी नहीं थी, जो बिल्कुल मजाक करते थे, मस्ती करते थे, और कई बार मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को पास होते हुए देखा है। तो मैंने, और आपको पता ही है बच्चों, मेरे अंदर बहुत खुजली है, मैं बहुत रिसर्च करता हूँ कि ऐसा क्यों हो जाता है। तो मैंने उन बच्चों के बारे में रिसर्च किया कि यार, उन वो क्लास भी नहीं आते थे, बंक भी मारते थे। हाँ, हालांकि ऐसे सब नहीं होते, बट स्टिल एट द एंड वो एग्ज़ाम में पास हो जाते। तो इसका रीज़न क्या है? और स्पेशली वो लोग तब पास होते थे जब पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आते हैं, बहुत टफ आते हैं। तो बच्चों, इसके बारे में बहुत रिसर्च किया गया और रिसर्च से ये पाया गया कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है। बच्चों, ध्यान से देखिए, मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ बच्चों, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और आपके माता पिता से भी आप पूछ सकते हैं कि कई बार हो सकता है आपको क्वेश्चंस नहीं पता होते इंटरव्यू में, बट आपका कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा होता है, आपके चेहरे की वो स्माइल और आपके आँखों में वो चमक, आँखों में चमक कहाँ से आती है बच्चों? सेल्फ कॉन्फिडेंस से। जिस दिन मैं पढ़ाता हूँ, और मुझे कई बार ऐसा होता है बच्चों कि एक आध अमेंडमेंट आ जाते हैं और शायद वो कंसेप्ट मुझे उतने अच्छे से नहीं आता, तो कहीं ना कहीं बच्चों मेरी आँखों से चमक गायब हो जाती है, मेरे चेहरे के रंग बदल जाते हैं। ये मेरे साथ होता है। और यस, लॉ पढ़ाते पढ़ाते ऐसा होता है क्योंकि अमेंडमेंट्स बहुत आते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि अमेंडमेंट हमको पता नहीं चलता कि अमेंडमेंट आ गया, हमको बाद में पता चलता है अरे यार, यहाँ पर अमेंडमेंट आ गया है। तो बच्चों, कहीं ना कहीं तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब आपको, जब कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और कॉन्फिडेंस के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप एग्जामिनेशन में गए और आपको एग्जामिनर में आपको अपने क्वेश्चन पेपर को इम्प्रेस करना है। अब जब आप क्वेश्चन पेपर को इम्प्रेस करने की बात करें तो दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला, आप उसको देख के डर जाएंगे कि यार शिट, क्या पेपर है यार, ये एक क्वेश्चन पढ़ा नहीं आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं आ रहा है। तो बच्चों, एक चीज़ याद रखिए, आप उससे डर रहे ना, मतलब आपके ऊपर हैवी क्या हो रहा है, वो क्वेश्चन पेपर आपके ऊपर ना बच्चों बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है। तो अब वो क्वेश्चन पेपर आपके ऊपर, सॉरी, हैवी नहीं, हावी हो रहा है। तो वो क्वेश्चन पेपर जब आपके ऊपर हावी हो रहा है तो बच्चों वो आपको नचवाएगा, क्योंकि आपने उसके सामने हाथ डाल दिए। दूसरा, जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, जिन लोगों में आत्मविश्वास से भरे लोग होते हैं, तो वो बच्चे क्या करेंगे कि वो, मैं बोल रहा हूँ ना, जो बच्चे क्लास बंक मारते हैं और पढ़ाई नहीं करते, बट स्टिल वो मैनेज कर लेते पास होना। क्यों? क्योंकि वो एग्जामिनेशन पेपर देख के डरते नहीं हैं, वो तो सोच के गए हैं कि हमारे पास हारने के लिए कुछ है नहीं, वैसे हमने पढ़ाई नहीं की है। तो वो एग्जामिनेशन पेपर का डट के सामना करते हैं, खड़े हो जाते हैं उसके सामने और डट के खड़े हो जाते हैं कि भाई तेरी क्या बिसात क्या, तेरी औकात क्या, मैं लड़ूंगा तुझसे। और बच्चों, ये लोग थोड़ा बहुत इन्होंने पढ़ा होता है और उस दिन इनका दिमाग फुल काम करता है, और अपने कॉन्फिडेंस की बदौलत ये लोग ऐसे पेपर में ही पास हो जाते हैं जिनकी इन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, या पढ़ाई की पर ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाई नहीं की। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, हालांकि ओल्ड सिलेबस में ऐसा बहुत होता था कि सीए के बच्चे सीएस के एग्ज़ाम काफ़ी आसानी से क्लियर कर लेते। क्यों क्लियर कर लेते थे? ये नहीं कि वो बहुत पढ़ाई करते थे और ऐसा, उनके मन में सिर्फ क्या होता था, कॉन्फिडेंस होता था कि हम सीए हैं तो हम क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग, हो सकता है पढ़ाई हमारी 19-20 हो, बट एग्जामिनेशन हॉल में घुसे हो तो पेपर देख के डरना नहीं। आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा नहीं आता, तीसरा नहीं आता, चौथा नहीं आता, कोई ज़रूरत नहीं है उठने की। बच्चों, डरना नहीं है, हो सकता है पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां बहुत अच्छे से आता हूँ, पर जब आपने पेपर लिखा, आपने चार क्वेश्चन नहीं आते, चार की जगह छोड़ दीजिए, उनको अपन बाद में लिखेंगे। पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ये तो अपने को आता है, कुछ ना कुछ आता है, अपन ये लिखेंगे। और ये लिखने के बाद अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना बच्चों, जिसने एक आध बार अटेम्प्ट लिया वो मुझे बता सकता है, और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, जो क्वेश्चन आपको आते थे आपने वो लिखने के बाद जो आपके मन में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ना, आप शुरू के जो चार क्वेश्चन आपको नहीं आते थे ना, वो आपको याद आने लगेंगे। आपको ये याद आने लगेगा कि आपके टीचर ने वो क्लास में पढ़ाया था, और इतने अच्छे से याद आएगा ना कि उस दिन टीचर ने कौन से कलर का शर्ट पहना था आपको वो भी याद आएगा। तो बच्चों, बस एक चीज़ याद रखिए, कोई भी आदमी जिससे आप मिलते हैं वो आपकी परीक्षा कैसे लेता है, आपके कॉन्फिडेंस से। अगर आपकी आंखों में चमक है, अगर आपकी बात करने के तरीके में एकदम कॉन्फिडेंस है, आप हैवीली बात कर रहे हैं, तो सामने वाला आपको देख के काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है। इन द सेम मैनर हमें अपने क्वेश्चन पेपर को इम्प्रेस करना है। तो हारना नहीं है कि तीन क्वेश्चन देखे नहीं बना तो एग्जामिनेशन हॉल छोड़ के भागे, नो 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 नो, ये अपने को करना नहीं है। अपने को लगना है, अपने को हिम्मत से, साहस से एग्जामिनेशन पेपर से लड़ना है और उससे जीतना है बच्चों। सो ये स्ट्रैटेजी आप लोग फॉलो कीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ,
एग्जामिनेशन पेपर अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप नाक कटवा के नहीं आएंगे, 40, 45, 50 नंबर लेके आएंगे। कॉन्फिडेंस रखिए बच्चों, हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा, अगर इंसान हिम्मत करे तो खुदा अल्लाह भगवान ईश्वर भी हमारी मदद करता है बच्चों। सो प्लीज़ वियर योर कॉन्फिडेंस यू नो, और हमेशा याद रखिए आप कॉन्फिडेंस उसको दिखाने का सब कॉन्फिडेंट है उसको दिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है स्माइल। तो बने नहीं बने बच्चों, कीप स्माइलिंग बच्चों। स्माइल और टेंशन कभी यू नो एक साथ नहीं हो सकती, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो कीप स्माइलिंग बच्चों। सो इफ़ यू कीप स्माइलिंग एंड यू विल सी कि आप कैसे यू नो किसी भी टेंशन से किसी भी परिस्थिति में आप कॉन्फिडेंट रह सकते हैं बच्चों। सो बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल विन। टेक माई वर्ड्स बच्चों। लव यू।